सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बेटा, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर चल रहा था 9th। कौन सा? बर्तन और नसीरुद्दीन, जिसमें मैं आपको क्या करवा रही थी, डिस्कवरी बुक डिस्कवरी करवा रही थी। लेकिन आज मैं आपको क्या करवाऊंगी, ऑब्जर्वेशन बुक ऑब्जर्वेशन करवाऊंगी। इसका फर्स्ट है जांच के बिंदु, ठीक है। ये पहले मैं जो है ना, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पहले मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगी आपको, ठीक है, पढ़ूंगी, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। और इसके आंसर इसके अंदर ही दे रखे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर ही आंसर दे रखे हैं। तो चलो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर अपने करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आखिर एक दिन बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया। कौन? बेईमान पड़ोसी। और तुनक कर बोला, क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? नसीरुद्दीन बोले, अरे जनाब, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था, वह तो उसी रात चल बसा। कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था, वो तो उसी रात ही चल बसा। पड़ोसी बोला, क्या बेकार की बात कह रहे हो, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? नसीरुद्दीन बोले, क्यों नहीं, जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? क्योंकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी, इसलिए बेईमान पड़ोसी कुछ न कह सका और मन महसूस कर अपने घर चला गया। यह है आपका पैराग्राफ जिसको मैंने पढ़ा है। अब इस पैराग्राफ से ही इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं और उसके उत्तर भी हमने इसी में से ढूंढने हैं, ठीक है, उसके उत्तर भी इसी के अंदर से ढूंढने हैं। तो इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है, पड़ोसी, इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है, पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर क्यों गया था? चलो मैं लिखती हूँ, अब मैं करवा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पर ये काम। आप सब मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पर प्रश्न उत्तर करोगे। चलो, पड़ोसी, फर्स्ट प्रश्न क्या था, पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर क्यों गया? चलिए पड़ोसी जांच के बिंदु ये करवा रही हूँ आपको मैं। कौन सा करवा रही हूँ? जांच के बिंदु, इसका फर्स्ट प्रश्न करवा रही हूँ। पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर, पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर क्यों गया? पैरा पड़ा, आपको पता चल गया होगा क्यों गया था, बर्तन वापस लाने के लिए। पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर क्यों गया था? पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर बर्तन वापस लाने के लिए गया था। पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर बर्तन वापस लाने के
लिए गया था। ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रश्न। पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर बर्तन वापस लाने के लिए गया था। अब मैं करवा रही हूँ दूसरा। दूसरा क्या है, नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो उसकी मनोदशा कैसी थी। नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो उसकी मनोदशा कैसी थी। नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो उसकी मनोदशा कैसी थी। कैसी थी उसकी मनोदशा जब वो उसके घर गया था। तो लिखते हैं इसका आंसर, नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। क्या था, जब उसके घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। ठीक है, ये हो गया आपके दो प्रश्न। अब मैं करवा रही हूँ तीसरा प्रश्न। पड़ोसी को देखकर नसीरुद्दीन का व्यवहार कैसा था और क्यों। पड़ोसी को देखकर नसीरुद्दीन का व्यवहार कैसा था और क्यों। पहले तो पूछा है कि पड़ोसी को देखकर नसीरुद्दीन का व्यवहार कैसा था, व्यवहार के बारे पूछा। फिर साथ में पूछ लिया कि क्यों, कैसा था और क्यों। तो चलो लिखते हैं, पड़ोसी के साथ नसीरुद्दीन का व्यवहार विनम्र था। क्या था उसके साथ व्यवहार, विनम्र था। उसने विनम्रता के साथ कहा कि जिस रात वह बर्तन लेकर आया वह उसी रात को ही चल बसा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हो गया आपके तीन प्रश्न उत्तर। अब लास्ट है, क्या नसीरुद्दीन का दिया गया कारण तर्क संगत था। क्या नसीरुद्दीन का दिया गया कारण तर्क संगत था। ठीक
क्या नसीरुद्दीन का इसका तर्क संगत था, तो पड़ोसी बिना कुछ कहे क्यों चला गया? तो पड़ोसी बिना कुछ कहे क्यों चला गया? पहला तो उसका कारण बताना है, फिर क्यों क्यों का बताना है। नसीरुद्दीन का दिया गया कारण तर्क संगत था। नसीरुद्दीन का दिया कारण तर्क संगत था क्योंकि जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। ये तो बिल्कुल बात सही है कि जब जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। ठीक है बेटा, ये तो थे आपके जांच बिंदु के फर्स्ट प्रश्न। ऑब्जर्वेशन बुक में करवाया मैंने जांच बिंदु का फर्स्ट प्रश्न, तो इसको आप अच्छी तरह कर लेना। कल मैं करवाऊंगी इसी का ही आगे जो चल रहा है, यानी कि समानार्थी शब्द। धन्यवाद।